बजट पास करने की बारी आई, उन लोगों ने हमारी सरकार को, इन लोगों ने हमारी सरकार को चलाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 22 तारीख को बजट पास होना था, 22 तारीख को बजट पास होना था, 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले छह नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए, सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले, हेलीकॉप्टर से आए और बजट में अंदर नहीं बैठे, कांग्रेस के पक्ष में बोलने के लिए बैठे। उस बजट में ये सारी योजनाएं थी जो गरीब के लिए थी, आम आदमी के लिए थी, किसान के लिए थी, कर्मचारियों के लिए थी। 4% का डीए हमने दिया, हमारे महिला कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी के जितने भी थे, पुलिस कर्मचारियों को 210 रुपए मिलते थे, टाइट मनी के मैंने 5 गुना बढ़ाकर दिए। ये पैसा कहां से आया? ये उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, जो भ्रष्टाचारी पतले दरवाजे से भ्रष्टाचार कर रहे थे। पर मैं इन चीजों से घबराने वाला नहीं, आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले 4 वर्षों में 5 वर्षों में हम हिमाचल को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे और 10 वर्ष में हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बनाएंगे।